यार क्या स्टोरी कहने जा रही है ये फिल्म 30 तारीख को, जैसे हम सब जानते हैं रिलीज होने वाली है, एज ए लीड एक्टर और एक्ट्रेस क्या करना चाहिए किस तरह से इंट्रोड्यूस। वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार, बेसिकली बिहार की कहानी कह रही है। बिहार को लेके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि बहुत ज़रूरी है, जिनको कहे जाना चाहिए, वक्त आ गया है। मैं जैसे बिहार की नहीं हूँ, तो मेरी खुद की एक पर्सनल इमेज बिहार को लेके बहुत अलग थी। जब तक मैं खुद बिहार शूटिंग करने नहीं गई और वहाँ पर जाके वहाँ का असली बिहार नहीं देखा, तो इसीलिए शायद ये जैसे मेरी खुद की एक पर्सनल सोच बदली है इस फिल्म को करने के बाद बिहार को लेके, इसलिए इस फिल्म को बनाना ज़रूरी था। जैसे मेरे जैसे और हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनकी इमेज बिहार यूपी को लेके बहुत ही अलग है, और जो असल में बिहार यूपी है वो बहुत ही अलग है। और प्लस जो वहाँ का एक बहुत ज़रूरी मुद्दा है पलायन, जो वहाँ से लोग बाहर आते हैं काम करने के लिए, वो क्यों आते हैं, उनकी ऐसी क्या मजबूरी है। कोई भी मुझे नहीं लगता है अपने घर परिवार, अपने माँ बाप, भाई बहन, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के किसी दूसरी जगह उनसे दूर रहकर काम करना चाहता है। पर अक्सर हम बात करते हैं कि बिहार यूपी के लोग ही ज़्यादातर दूसरी जगह पे जाते हैं, जो कि सच नहीं है, पर बात इसी मुद्दे पे ज़्यादातर होती है। तो हमने इस फिल्म के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि वो क्यों मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी जगह छोड़ना चाहते हैं, और जो हमारे फिल्म के लीड 3 युवा कलाकार हैं वो वहीं रहना चाहते हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते हैं, और किस तरह से वो पूरे सिस्टम का शिकार होते हैं। और इसी तरह से ये बेसिकली हमारी कहानी जो बिहार को लेकर कहती है। कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है वो पूरी तरह से जैसे मुंबई में बिहारियों के साथ हुआ या यूपी वालों के साथ हुआ, वो दर्शाने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे पहले मैं इस कहानी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये कहानी बिहार के हर घर की कहानी है, हिंदुस्तान के हर लाचार बाप की कहानी है, एक तरस्ती माँ और बिखरते बेटे की कहानी है। क्योंकि कोई क्यों बाहर जाना चाहता है, और स्पेशली बिहार के संदर्भ में, क्योंकि ये कहानी वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार है, बिहार को जहाँ होना चाहिए, आज बिहार वहाँ नहीं है। क्यों नहीं है, इसका जवाब पूछने से पहले हमें, चाहे जवाब हम पार्टी से पूछें, किसी भी पार्टी से जो वहाँ रूल करती हो, कहीं भी रूल करती हो, या प्रशासन से पूछें, उसके पहले हमें अपने मन के आंगन में ढूंढना होगा कि ऐसा आखिर हुआ क्या, जो हमने ऐसा अपने साथ होने कैसे दिया। तो कहानी कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि ये माइग्रेशन या फिर जो बिहारियों के साथ होता है या यूपी वालों के साथ हुआ, तो वो भी एक इशू है, वो भी टच करती है। पर मेनली मुद्दा ये है कि आखिर हमारी ऐसी छवि बनी कैसे, जबकि सबसे ज़्यादा आप कह लें तो IAS, IPS, बड़े बड़े कंपनी के जितने सारे लोग हैं, जो ओनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, वो सब बहुत सारे लोग बिहार से आते हैं। तो ऐसा क्या है कि बिहार के अंदर रहने वालों की छवि ऐसी है, और जो बिहार के बाहर चले जाते हैं वो वापस क्यों नहीं आ पाते। तो सब मुद्दों को हमने थोड़ा थोड़ा ज़रूर स्पर्श किया है। जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा इस दौरान फिल्म में शूटिंग करने का? देखिए, पूरी फिल्म जो है वो बिहार में शूट हुई है, तो कहीं ना कहीं बिहार में रह के, अपनी जगह पर रह के करने का जो आनंद मिला है वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही मज़ा आया। जी आरती, आप तो बिहार की नहीं रहने वाली हैं, तो आपके लिए सब कुछ नया था? बहुत बहुत नया था। सबसे पहले तो मुझे अपने घर वालों को मनाना पड़ा, मैं एक्ट्रेस हूँ, पूरी दुनिया घूमती हूँ अकेले, लेकिन कभी कुछ घर वालों की तरफ से प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जब बिहार में शूटिंग करने की बात आई तो थोड़ा सा मेरी मम्मी जो थी वो इनसिक्योर थी, अगेन वो छवि को लेके, जो छवि वहाँ पर थी। लेकिन जब मैंने वहाँ पर जाके शूट किया, वहाँ पर रही मैं इतने दिन, वहाँ के लोगों से मिली, तो मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा पंजाब और बिहार में। तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, और प्लस कहीं ना कहीं ये मेरी एक पर्सनल जर्नी भी थी एज एन एक्टर। तो जब आप एक अच्छे किसी फिल्म के साथ जुड़ते हो तो आपकी ग्रोथ होती है, लेकिन इस फिल्म ने मुझे एज अ पर्सनल इंडिविजुअल भी मुझे बहुत ग्रो करने में हेल्प की है। क्योंकि जो सेट के अलावा जो मेरे एक्सपीरियंस होते थे वो भी मेरे लिए बहुत नए थे बिहार में शूटिंग करने के लिए। जैसे आई वॉन्ट टू थैंक माई प्रोड्यूसर डायरेक्टर कि उन्होंने बिहार की शूटिंग बिहार में ही की। अक्सर आप देखते हैं कि फिल्म बिहार बेस होती है पर शूटिंग बिहार में जाके लोग नहीं करते हैं। तो क्योंकि फिल्म हमने शूट बिहार में की, तो मेरी पर्सनल
جو سوچ تھی اس میں بھی مجھے بہت سارے بدلاؤ آئے. جی یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گی کہ جو فلم کا ٹائٹل ہے جس کا نام ہے ان بہار کہیں نہ کہیں یہ پبلسٹی بھی کافی ہے فلم کی پبلسٹی کے لیے. دیکھیے ونس اپون اے ٹائم ایک ایسا ٹائٹل ہے جس کے اوپر بہار میں فی الحال چناؤ بھی ہے اور جی ان کا ٹائٹل جہاں ہوٹل لگے گی بہار میں لوگوں کی نظر میں یہ تو آئے گا نا ہاں کیونکہ کہانی بہار کی ہے اور جو کہیں نہ کہیں ہم نے بہار کو جیسا بہار ہم نے کہانی 2001 سے لے کے اور 2009 تک کی کہانی ہم نے بتائی ہے تو بہار اس وقت جیسا تھا ہم نے ویسا ہی بہار دکھایا تو اور کہانی بہار کی ہے تو آبویسلی ونس اپون اے ٹائم ان بہار ہوگی. اور کہیں نہ کہیں یہ میرے خیال سے ہر فلم کی ایک ڈیسٹینی ہوتی ہے اور اس فلم کو شاید چناؤ کے دوران ریلیز ہونا تھا تو شاید اسی لیے ہو رہی ہے. تو اور ونس اپون اے ٹائم ایک ایسا ٹائٹل ہے جس کے اوپر تقریباً 2057 فلم بن چکی ہیں ابھی تک تو اسی سلسلے میں ہمارا بھی ایک ونس اپون اے ٹائم. یہ بات نہیں پتا ہے لوگوں کو, وہ کنیکٹ کرتے ہیں ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی کے ساتھ کہ شاید اس کے بعد ہم یہ دوسری فلم بنا رہے ہیں, لیکن ونس اپون اے ٹائم کے اوپر مور دین 250 فیچرز 257 فلمیں آلموسٹ بن چکی ہیں. آئی ایم ڈی بی ایسا کہتا ہے. تو آشیش جی کے ساتھ کام کرنا, ایک سینئر ایکٹر, وہ سینئر ایکٹر ویل نون ایکٹر ہیں, ان کے ساتھ کام کرنا کیسا؟ آشیش سر کے بارے میں کیا کہیں, وہ میرے کالج کے ہندو کالج کے سینئر بھی ہیں. تو اور جب پہلی بار معلوم چلا تھا کہ آشیش ودیارتھی اس رول کو کر رہے ہیں تو ہاں تھوڑا سا خوشی بھی ہوئی تھی, لیکن من میں کہیں ڈر تھا کہ آشیش ودیارتھی ایسے جو سب میرے خیال سے بہت ہی ٹیلنٹڈ ابھینیتا ہیں اور اتنے سینئر ہیں ان کے ساتھ کام میں کر پاؤں گا یا کیا ہو پائے گا. تو شروع میں جب معلوم چلا تو نروس تھے, لیکن جب شوٹنگ شروع ہوئی تو ایسا لگا ہی نہیں کہ وہ آشیش ودیارتھی ہیں, ایسا لگا کہ وہ ہمارے سمکچ ہیں. He was part of all of us in the group. Last, kya expectation rakhte hain aap audience se jo ye film dekhne ja rahe hain, kyun ye film dekhne ja rahe hain aap, kya kuch hai is film mein masala jo aapne sab kuch bata diya lekin aapki taraf se kya message audience ke liye jo dekh rahe hain kyun ye film dekhne ja rahe hain? Dekhiye main ye personal level pe ye kehna chahungi ki obviously جو ایک انٹرٹینمنٹ کے مادھیم سے اگر بولیں کہ جو فلم ایک آرٹ کے سورس کے حساب سے کہ ہماری فلم انٹرٹیننگ ہے, ہماری فلم ہم نے بہت اچھے سے بنائی ہے, ہمارے ٹیکنیشینز, ہمارے ایکٹرز, ہمارے پردے کے پیچھے جن لوگوں نے کام کیا سب نے مل جل کے بہت اچھا کام کیا ہے اور ایک اچھی فلم بنائی ہے. لیکن میرا پرسنل میسج جو ہے آڈینس کو جو یہ بات سن رہے ہیں کہ اکثر ہم ویٹ کرتے ہیں زندگی میں کہ ہماری زندگی میں, ہمارے سماج میں, ہماری سوسائٹی میں, ہمارے پولیٹکس میں ہر جگہ ایک بدلاؤ کی ضرورت ہے, لیکن ہم اس بدلاؤ کے لیے ویٹ ہم ہمیشہ گورنمنٹ کو ہی بلیم کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا نیتا آئے گا اور ایک دم جادو کوئی چھڑی چلائے گا اور سب کچھ بدل جائے گا. بدلاؤ ہم کو اپنے اندر سے لے کے آنے کی ضرورت ہے اور اس بدلاؤ کو ہم ایز این ایکٹر, ہم اس جو میڈیا کی فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں, ہمارا یہ ایک قدم ہے اس بدلاؤ میں پارٹیسپیٹ کرنے کا, ایک ایسی فلم بنا کے اب اس بدلاؤ کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا قدم ہے وہ سفل بھی ہو, اور وہ سفل تبھی ہوگا جب جو ہم کو سن رہے ہیں وہ تھیٹر میں فلم دیکھنے آئیں گے. تو یہ صرف اور صرف ایک فلم نہیں ہے, یہ ایک مہم ہے اور اس مہم کو سکسیزفل بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ لوگ اس فلم کو تھیٹر میں دیکھنے کے لیے آئیں. تو یہ میرا پرسنل میسج ہے. میں سب سے بڑا جو سندیش, جیسا کہ آتش جی نے کہا کہ ایک مہم ہے اور خاص کر بہار کے بارے میں فلم میں ایک ڈائلاگ بھی ہے کہ بہار کو لوگ کان سے دیکھتے ہیں آنکھ سے نہیں, تو اسی لیے فلم بنائی گئی کہ پہلی بار لوگ بہار کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. اور میں نے کہیں پڑھا تھا تو میں ایک بار آپ کے مادھیم سے آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ جو فلم کا جو مین ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ ذمہ داریاں مجبور کر دیتی ہیں اپنا شہر چھوڑنے کو, ورنہ کون اپنی گلی میں جینا نہیں چاہتا. حسرتیں آج بھی یہ خط لکھتی ہیں مجھے, پر میں اب پرانے پتے پر نہیں رہتا. تو اسی لیے میں آپ کے مادھیم سے آپ سب کو آمنترن دیتا ہوں کہ 30 تاریخ کو آپ ضرور دیکھیں ونس اپون اے ٹائم ان بہار, 30 اکتوبر. تھینک یو ویری مچ. یہ اسٹوری جو ہے بہار میں, ابھی بہار ہی نہیں ہر جگہ ہے, لیکن چونکہ یہ فلم بہار بیسڈ ہے, بہار میں جو بے روزگاری ہے مطلب یواؤں کو کوئی دشا نہیں ہے, پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد بھی کہیں روزگار نہیں ہے,
और कैसे घर का सिचुएशन है, किस हालात में लोग रह रहे हैं, तो उस पूरे मंथन की कहानी है ये। कैसे पढ़े लिखे लोग प्लान करते हैं और किडनैप करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट है पूरी फिल्म का, जो पूरी बिहार को पूरी तरह से दिखाता है कि जो बिहार की अभी जो स्थिति है, जो नितिन ने अपनी आंखों से देखा है उसको, और बहुत ही रियल फिल्म है। रियल इन द सेंस कि सिनेमा नहीं है, मतलब सिनेमा इन द सेंस कि इंटरटेनमेंट नहीं है, एक ऐसी कहानी है जो हमारे आपके बीच में घट रही है। उसको नितिन ने बड़े अच्छे से उसको बनाया। मेरा जो करेक्टर है, मैं एक दीपक का बड़ा भाई हूँ, विष्णु नाम है मेरा, और मेरी भी वही, मेरी बच्चियाँ हैं, वाइफ है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है घर में, दंगाली जो प्रायः है मिडिल क्लास का, तो वो करेक्टर है मेरा उसमें विष्णु का, जो बाद में मैं, मतलब उसको मैं घर से बोलता हूँ तुम निकल जाओ, कि पैसा नहीं कमाओगे तो घर में नहीं रह सकते। जो इस तरह करेक्टर हमने देखे हैं अपने आस पड़ोस में, तो ऐसा मेरा करेक्टर। सर आप भी मतलब बिहार से बिलोंग करते हैं? जी हाँ। जी, तो आपने खुद मुंबई में आके कभी इन सब चीज़ों को खुद महसूस किया है पर्सनली, तो जो जिस तरह की फिल्म की कहानी है आपने खुद महसूस किया है? कहाँ, मुंबई में आके? जी मुंबई में आके या बिहार में जब थे आप? हाँ बिहार में है ना, बिहार में। और ये जो पारिवारिक कलह है, जो प्रॉब्लम है, चार भाई हैं, तीन बहन हैं, मतलब फादर हैं, उनकी सैलरी कम है, और कैसे वो पूरे घर को मैनेज करते हैं, लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं पर जॉब नहीं है, कितना प्रॉब्लम है, तो वो सब तो मतलब मुझे लगता है बिहार की कहानी तो ये है ही, लेकिन अभी इंडिया में ये हाल है, हर जगह है बेरोजगारी का प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं जो आपका किरदार तो काफ़ी अट्रैक्टिव रहा होगा है, इसकी वजह से आपने फिल्म को चुना? हाँ मैंने चुना, जुड़ता है आपको क्योंकि बिहार से? हाँ मुझे जुड़ता, मुझे इसलिए जुड़ता है क्योंकि मैं भी बिहार से हूँ, मैंने देखा है। मेरे भी मतलब बड़े भाई जब तक जॉब नहीं करते थे तो एक था कि मतलब कब जॉब करेगा, कब पैसा कमाएगा, फिर वो पैसा कमाने लगे, घर बसाने लगे, तो वो है, वो हर जगह है। एक आदमी की कहानी सब आदमी की कहानी होती है, अलग अलग चीज़ें होती है उसमें, लेकिन है कि ये सही टाइम है फिल्म को रिलीज़ करना, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है ये फिल्म। टाइम तो हाँ टाइम सही है बिल्कुल, चूँकि अभी बिहार चर्चा में है पूरे हर जगह, बिहार बिहार बातचीत चल रही है जो भी है पॉलिटिकल, तो और उस बीच में ये फिल्म आ रही है, क्योंकि ये फिल्म मैंने बताया पहले कि फिल्म नहीं है, एक मिरर है, एक आईना है, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि सिनेमा जो है वो समाज का आईना होता है, तो चर्चा में है ये फिल्म और होनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब बहुत कम ऐसे डायरेक्टर हैं जो एक्चुअली मतलब समस्याओं को लेके या जो भी प्रॉब्लम है उसको मद्देनज़र रखते हुए फिल्में बनाते हैं या फिल्म डायरेक्ट करते हैं, और ये जो फिल्म है ये वैसे ही फिल्म है, ऐसे नहीं कि बिहार को बेचा जा रहा है, नॉर्मली बिहार उस तरह से बदनाम है, बदमाशी और ये और इस तरह से, ये एक बहुत जेन्युइन फिल्म है। जी फाइनली आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऑडियंस क्या सोच के जाए फिल्म देखने, उसके जहन में एक एंटरटेनमेंट है या एक कुछ, जब थिएटर में घुसेंगे बाहर निकलेंगे तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, कोई सीख लेके जाएंगे या फिर एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखेंगे? नहीं ये सवाल तो बड़ा इंडिविजुअल है कि कौन क्या सीख के लेके जाता है। एक डायरेक्टर का काम होता है, उसने जो चीज़ें कंसीव किया है वो आपको सामने रख दे रहा है कि भाई ऐसी फिल्म है हमारी, जाहिर सी बात है कि लोग सीखेंगे और अच्छा लगेगा लोगों को, क्योंकि लोकेशन कमाल है फिल्म का, डायलॉग्स कमाल हैं, गाने जिन लोगों ने गाए हैं, गाने एक से एक गाने हैं, खूबसूरत गाने हैं, बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा काम किया पूरे फिल्म में। जी थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जो आपके फैंस हैं, जो हिंदी सिनेमा में जो आपके फैंस हैं जिन्होंने आपकी फिल्में देखी हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे क्योंकि आप सडनली साउथ में बिजी हो गए, साउथ की फिल्में के, लेकिन उनके पास फिर से एक मौका है वंस अपॉन टाइम इन बिहार, जो
आपकी अपकमिंग फिल्म है, तो क्या कहना चाहेंगे, फिल्म की कहानी क्या है और आपका किरदार किस तरह से? ये फिल्म एक जो एक सिनारियो घट रहा है देश के विभिन्न भागों में, उसको एक बहुत बढ़िया तरीके से नितिन चंद्रा ने लिखा है और फिल्म को बनाया है। कई चीज़ें होती हैं जो घटती हैं हमारे सामने, कई चीज़ें होती हैं जो छुपी रहती हैं। ये कहानी कुछ वैसी है कि जो हम लोग एक बड़े शहर में जब रहते हैं या किसी और प्रदेश में रहते हैं, हम कई बार देख नहीं पाते, हमें लगता है कि वो चीज़ नीचे कहीं छुपी हुई है। ये कहानी है उस एक तबके की जो कभी भी फट सकता है लेकिन इस दौरान शांत है। तो एक तरह से मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं कईयों को बोल चुका हूँ कि इस कहानी को अगर जो लोग राजनीति कर रहे हैं अगर वो देख पाए तो शायद सचेत हो जाए और शायद उन सब चीज़ों पर ध्यान दें जो सचमुच बहुत ज़रूरी है इस देश में। तो आप सब ज़रूर देखें वंस अपॉन अ टाइम इन बिहार। जी, आप ये जाहिर सी बात है जैसे आपने बताया कि जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए देखना बहुत ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं के लिए फिल्म बनाई गई है कि वो कुछ सीखें कि किस तरह से बिहार के लोग बाहर। नहीं, सिर्फ वो बात ही नहीं, देखिए एक चीज़ है कि हम लोग हर चीज़ को बहुत ऐसे एक ब्रांड करना चाहते हैं, ये किसी को सिखाने के लिए नहीं है, लेकिन ये कहानी है जैसे आप एक आपको कोई बात कही जाती है ताकि अरे यार हाँ मुझे तो लगा नहीं था ऐसा, तो ये एक ऐसी कहानी है जो आपको याद कराएगा यार आई डिडंट थिंक अबाउट इट। जी जी सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं थिएटर में और प्लस साउथ की फिल्मों में जो रीजनल फिल्में आप करते हैं, तो कैसे इस फिल्म के लिए खास करिए इस कहानी की समझ किसी फिल्म के लिए एक्टर कभी बिजी नहीं रहता है, तो ये एक्टर काम ही करता है फिल्म में काम करने के लिए, तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ उन फिल्म के डेट्स के लिए काम करता हूँ। तो मैं चाहे 12 भाषाओं में काम करूँ और शायद 300 फिल्में मेरी रिलीज़ हो चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिज़ी हूँ, जिस मुझे अच्छा किरदार मिलता है मैं जाके करता हूँ, तो अगर बिज़ी होता तो इतनी सारी फिल्में कैसे करता भाई। लेकिन बॉलीवुड क्यों इतना? अब वहाँ पर भी जहाँ पर अच्छे रोल्स मिलते हैं मैं जाता हूँ, और इस दौरान कुछ दक्षिण में अच्छे रोल मिले वहाँ गया, इस दौरान कुछ यहाँ अच्छे मिल रहे हैं यहाँ कर रहा हूँ, तो अगली फिल्म ज़रूर देखिएगा इसके बाद। उसका नाम है बॉलीवुड डायरीज, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म बनाई है हम लोगों ने। अगले 2-3 महीने में आप इसके बारे में कुछ और भी सुनेंगे, अभी से आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बुला रहे हैं, ठीक है, थैंक्स। ये जानना चाहेंगे कि आपके जहन में कब आया कि मुझे फिल्म बनानी जो बिहार के ऊपर, बिहार की कहानी का है? देखिए, मैं बचपन से ही मार्शल आर्ट्स कर रही हूँ, मैंने इंडिया रिप्रेजेंट किया है, वहीं पे पली बड़ी हूँ, और हमेशा सोचती थी कि ऐसे पोस्टर्स, ऐसे पिक्चर्स से बिहार की इमेज क्यों है, जबकि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स और बहुत नामचीन डॉक्टर इंजीनियर्स वहाँ से आते हैं, हमेशा एक एंग्स टाइप का फील होता था कि ये बहुत ही ये गलत बात है कि इस तरह से। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगी तो वहाँ पे सर बोलते थे बिहारी हो क्या जी, बिहारी हो, आई जस्ट फेल्ट कि ये बहुत नीचे नज़र से देखते हैं, तो मुझे पता नहीं चलता था क्योंकि मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं आता था क्यों, आज भी एक्चुअली पता नहीं है कि क्यों ऐसा कहते हैं, जबकि इनमें जितना इतने बड़े बुद्धिजीवी लोग वहाँ से आते हैं, तो बचपन से कुछ करना था कुछ, तो मैं सोचा कि और मैं टाइकोंडो में मार्शल आर्ट से बहुत सारी चीज़ें हमेशा से ये एक भावना थी कि इमेज बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही स्ट्रेंथ और स्ट्रांग है हमारे पास, फिर भी इस तरह की इमेज से वाकिफ नहीं रहती थी मैं। तो मुझे ये जो मेरे भाई ने ये स्क्रिप्ट सुनाई, क्योंकि ही इज़ अ वेरी वेल एजुकेटेड डायरेक्टर, उन्होंने फिल्म मेकिंग में पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर टोरंटो फिल्म स्कूल से पढ़ाई की है, और दिवाकर बैनर्जी को और काफ़ी और डायरेक्टर्स को भी असिस्ट किया है, और डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते रहे हैं। तो जब उनके पास ये आइडिया आया और 3 साल स्क्रिप्ट लिखी, तो मैंने देखा कि ये स्क्रिप्ट से लोग ये तो पहले बिहार को देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पटना में खेती होती है, जब भी बातें करें कहीं अच्छा तुम बोलेंगे मैं पटना जा रही हूँ घर पे, तो कहीं अच्छा तो तुम गांव जा रही हो, गांव नहीं है पटना, इट्स अ कैपिटल एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, यू हैव लाइक बहुत ही आए आप पटना आए आपको पता चलेगा कि इट्स अ वेरी डिफरेंट प्लेस ऑल टुगेदर। तो बस यही कोशिश कर रहे थे जब स्क्रिप्ट आई तो, कि ये बिहार को पटना को दिखाया जाए, और इस फिल्म में पटना देखेंगे आप, बिहार के बहुत सारे और जगह को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि एक डिफरेंट
इमेज बदलने की कोशिश की गई है। एक स्टोरी को बहुत सिंपली दिखाया गया है, तीन युवाओं की स्टोरी है जो दिखा रहे हैं उनकी फैमिलीज़ में उनके सब में क्या प्रॉब्लम हो रही है और क्यों पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन के कारण एक आम जनता अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी नहीं पाता। जी, पटना शहर की कहानी है, बिहार के गाँव की कहानी? पटना शहर की कहानी और उसके चारों तरफ की कहानी है, मतलब छोटे छोटे शहरों की कहानी। जी, आपने खुद क्या महसूस किया है एज ए बिहार की, जैसे आपने खुद क्या महसूस किया है, क्या बहुत सारे चेंजेस लाने की ज़रूरत है इस फिल्म के बाद, लोगों की भावनाएं चेंज होंगी? देखिए, मैं खुद बिहार से आती हूँ, मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि मेरे रूट्स ऐसे जगह से रहे हैं कि मुझे आज वापस से अपने रूट्स को कुछ देने का मौका मिल रहा है। पूरी फिल्म बिहार में शूट हुई है। मैं बस ये चाहती हूँ कि अभी इलेक्शंस कॉर्नर पे हैं कि मतदान ज़रूर दें और सोच समझ के मतदान करें, क्योंकि जैसा भी आप जिसको भी आप चुनेंगे, ऐसा ना हो कि जो इन तीनों युवाओं के साथ इस फिल्म में हो रहा है वो वापस से होने लगे, क्योंकि इन तीनों ये तीनों जो यूथ हैं वो अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर और बहुत मुश्किलात हो रही हैं। तो आपके हाथ में है, आप चूज़ करें कि आपको अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। एडमिनिस्ट्रेशन जैसा होगा वैसे ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो यही कोशिश है कि इस फिल्म से लोगों को बताया जाए कि आप बहुत पावरफुल हैं, आम जनता बहुत पावरफुल होती है। जी, मेरा अगला सवाल भी यही था कि क्या जो फिल्म का टाइटल है वंसट अपॉन अ टाइम इन बिहार, ये कहीं ना कहीं चुनाव आ रहा है तो पॉपुलैरिटी के लिए फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये अपने आप कहीं ना कहीं पॉपुलर हो जाएगा अपनी पब्लिक से। अच्छी फिल्म होगी तभी पॉपुलर होगी, ख़राब फिल्म कभी पॉपुलर नहीं होती, और अगर ख़राब फिल्म पॉपुलर होती तो एक दिन के रिलीज़ के बाद लोग कोई देखने नहीं चाहते। तो पॉपुलैरिटी की बात नहीं, हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है। इस फिल्म को शायद इसी वक्त रिलीज़ होना था, इसलिए शायद इस वक्त रिलीज़ हो रही। जी, और आशीष जी के, और अगर आशीष जी को छोड़े तो बाकी जितने स्टार्स हैं सब नए हैं यहाँ पे, तो कितना बड़ा ये गेम है इन लोगों को खेलना है, क्योंकि आपकी पहली फिल्म एज ए प्रोड्यूसर। सी, आज के टाइम पे क्या है कि स्क्रिप्ट इम्पॉर्टेंट होती है, तो मेरी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अच्छे एक्टर्स चाहिए थे। मेरे डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छे एक्टर्स चूज़ किए हैं और हमारे तीनों एक्टर्स क्रांति प्रकाश झा, दीपक सिंह और अजय कुमार, हमारी फिल्म की हीरोइन आरती पुरी, आशीष विद्यार्थी, पंकज झा, इतना अच्छा ये आर्मी है कि आई थिंक ये आर्मी बहुत ही विन होकर ही आए। नहीं तो आप खुद इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं, तो आप इतनी इस फिल्म को क्यों नहीं किया? दो दो चीज़ करना बड़ा मुश्किल है, प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, कर सकते थे, लेकिन मैं थिंक इसकी मुझे लगता है डायरेक्टर को आरती ज़्यादा पसंद थी। जी, और बहुत ही अच्छी एक्टर है वो, और हिंदी को बिहारी को बहुत अच्छा पसंद, बहुत वो किया, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। नहीं तो एज अ प्रोड्यूसर ये बहुत बड़ा चैलेंज था फिल्म बनाना? यस, पहली फिल्म हमेशा एक चैलेंज होती है, पर चैलेंज के बिना ज़िंदगी क्या है। जी जी, और एक फेस्टिवल सीजन है, दिवाली आ रही, तो क्या कुछ प्लानिंग है आपका खास कर जाना? इस बार हम अपनी फैमिली के साथ फिल्म के बाद दिवाली आ रही है, तो फिल्म आई एम रियली रियली होपफुल एंड आई एम हैप्पी कि ये फिल्म, आई एम श्योर ये फिल्म बहुत अच्छी मैसेज लेकर आएगी सबके लिए। इससे बिहारी लोगों के लिए ही नहीं, एक इज्जत की बात है कि बिहार को पूरे हिंदुस्तान में ये फिल्म को देखा जाए और लोग इसे अच्छी तरह से देखें। तो दिवाली के दिन इस फिल्म के सक्सेस को हम पूजा करेंगे और देखेंगे। जी, जरूर देंगे, और एक विश दे दीजिए दिवाली की। नमस्ते, मेरा नाम है नीतू चंद्रा, वेरी 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 हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड टू योर फैमिली, थैंक यू।